का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासों में फिजिक्स में हम पार्ट फाइव बीमाओं का पार्ट फाइव चल रहा है, उसमें अगली बीमा हम पढ़ते बेटा। 13 जो बीमा है हमने पढ़ ली, 14 नंबर पे है बीमाओं में पृष्ठ तनाव। 14 नंबर पे है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को हम दर्शाते हैं बड़े टी से। पृष्ठ तनाव को किससे दर्शाते हैं? बड़े टी से। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। सूत्र याद रखना है, सूत्र क्या होता है? बल बटे लंबाई। और मैंने आपसे बताया था कि बल जो है 70% बीमाएं बढ़ाता है, बल और कार्य जो है। तो बल की बीमा आपको डायरेक्ट याद रखनी है। बल की बीमा क्या थी? m1 l1 t-2। तो भैया यहाँ से बल की बीमा लिखेंगे m1 l1 t-2। और लंबाई की बीमा क्या आ जाएगी बेटा? लंबाई की बीमा आ जाएगी l1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? हिसाब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m1। अच्छा, l जो प्लस का वन है ये ऊपर जाएगा माइनस का, और एक प्लस का ऊपर बैठा है, तो l कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव की बीमा आपके पास आ गई m1 l0 t-2। ठीक है, मात्रा देख लेते हैं, तो मात्रा भी आपके पास आ जाएगा। मात्रा देखिए, बल का मात्रा न्यूटन। ठीक है, और लंबाई का मात्रक होगा मीटर। तो मात्रक आ गया न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा एन सिंबल लगाएंगे तो न्यूटन का सिंबल कैपिटल एन, और इसको हरा कौन भी मीटर। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स। ये मीटर है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, कितनी मानी जाएगी? एक। ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, अगला देखते हैं बल नेतान नंबर 15 नंबर पे देखिए, 15 नंबर पे है बल नेतान। बल नेतान, ठीक है, और बल नेतान को किससे दर्शाते हैं? कैसे? बल नेतान का सूत्र बन जाएगा बल बटे विस्थापन। बल नेतान का सूत्र आपका बनेगा बल बटे विस्थापन। ठीक है, बल की बीमा आपको याद है, विस्थापन की फटाफट लिख देते हैं। बल की बीमा m1 l1 t-2, विस्थापन की बीमा l1। ठीक है, हिसाब करो l1। अच्छा, ये l1 ऊपर जाएगा तो माइनस का वन, और प्लस का वन तो 0। l0 t-2, आपके पास आ गया m1 l0 t-2। मात्रा देखिए, मात्रा क्या बनेगा? बल का मात्रा न्यूटन, और विस्थापन का मात्रा भाई चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, विस्थापन सभी का मात्रा क्या होता है? सभी का मात्रा मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर को हम देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, जिसको हम देख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। आपको ध्यान होगा इससे पहले जो हमने बीमा बनाई थी सेम बीमा और सेम मात्रक आया है, तो सवाल आए कि समान बीमा की दो भौतिक राशियों के नाम बताओ, तो क्या क्या बताओगे? पृष्ठ तनाव, और एक तो पृष्ठ तनाव है और एक आपके पास आ गया बल नेतान। ठीक है, अगले बीमा बनाते हैं। अगला तो जो हमारे पास है नंबर 15 पे, सॉरी 16 पे है, गोल्डन त्रिज्या या परिक्रमण त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, 16 नंबर पे घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमेगी तो जिस त्रिज्या में वो घूम रही है वो त्रिज्या कहलाती है घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या है और त्रिज्या को किसमें मापते हैं अपन? दूरी में। अरे त्रिज्या किसमें मापते हैं? दूरी में। ठीक है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यहाँ द्रव्यमान 0 है तो m0 l1 t-2।
क्योंकि यहाँ जो परिघूर्णन त्रिज्या है, परिक्रमण त्रिज्या उसको किससे दर्शाते हैं, दूरी से, और दूरी जो है उसकी भी हो जाएगी L1, या मास भी अनुपस्थित है, द्रव्यमान भी हो सभी, मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक बताओ, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक आ जाएगा, ठीक है, और मीटर को किससे दर्शाते हैं, छोटे, ठीक है, कोई दिक्कत, अगला देखिए, जड़त्व आघूर्ण, नंबर 17, अगले नियम लिखते हैं, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, सूत्र याद रखना है, जड़त्व आघूर्ण, जिसको किससे दर्शाते हैं, आई से, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, आई से दर्शाते हैं, इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा दूरी, इस पर द्रव्यमान गुणा दूरी इस पर, ठीक है, द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा क्या बेटा M1 और दूरी की विमा L1 और इस पर तो L2, समय ऐसा यहाँ पे समय है नहीं सूत्र में, तो समय क्या जाएगा 0, ठीक है, तो विमा आ गई, जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या आ गई M1 L2 T0, मात्रक, मात्रक बताओ, तो मात्रक आ जाएगा आपके पास द्रव्यमान का मात्रक kg इनटू दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है, तो आपके पास आ गया kg इनटू मीटर इस पर। अगला देखिए 18 नंबर पे आवर्ती, 18 नंबर पे लिखते हैं अपन नेक्स्ट विमा, बोलते हैं आवर्ती, 18 नंबर पे है आवर्ती, आवर्ती किससे दर्शाते हैं, म्यू से, ठीक है, आवर्ती को म्यू से, ये म्यू, या फिर आवर्ती को छोटे एफ से भी दर्शाते हैं, तो आवर्ती का सूत्र होता है पर सेकेंड, यानी कि 1/सेकेंड, आवर्ती का सूत्र क्या होता है बेटा 1/सेकेंड, ठीक है, बीमा बनाएंगे तो बीमा क्या बनेगी, द्रव्यमान अनुपस्थित है तो M0, दूरी है क्या, दूरी भी नहीं है तो L0, समय है, समय, समय की बीमा, ये समय नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो T-1, बोलो बात सही, तो बीमा क्या बन गई आवर्ती की M0 L0 T-1, ठीक है, मात्रक क्या जाएगा इसका, ऐसा ही मात्रक MKS में लिख देते पहले, मात्रक MKS में आएगा पर सेकंड, पर सेकंड, ठीक है, ये सेकंड की जगह समय है नहीं, समय लिख दो, है ना, आवर्ती बराबर है उधर समय, तो पर सेकंड, पर सेकंड को हम ले सकते हैं सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जिसको ऐसा ही पद्धति से बोलते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज को दर्शाते हैं एज जल्स, या इस तरह से एज जल्स, तो आवर्ती की जो विमा है वो तो आ गई M0 L0 T-1 और मात्रक आ गया सेकंड इनवर्स, और अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें तो ऐसा ही मात्रक आता है हर्ट्ज, इसकी खोज किसने की थी हर्ट्ज में, तो आ गया हर्ट्ज, ठीक है, तो इस तरह से आज हमने जो विमाएं पढ़ी हैं आपको इनके सारे के जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और ये जो अपने 11वीं का पूरा सिलेबस है उसमें ये सारे सूत्र आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको सारे सूत्र याद करने हैं अच्छे से, क्लियर है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, और जो चैनल है उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं।